तो दोस्तों आज है दिवाली और मैंने ये बनाई है कैंडल। और सुबह सुबह मैं लग गई थी इसी काम, क्योंकि शाम को फिर मुझे टाइम नहीं मिलना था, और गांव से आने के बाद तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए मुझे मॉर्निंग बनानी पड़ी। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज शाम से ही बना रही हूँ मैं व्लॉग, नहीं तो काफी लंबा हो जाता। अभी सारे तैयार हो रहे हैं तो तब सबसे मिलाऊंगी आपको। मैं तो तैयार हो गई क्योंकि मुझे करना था कुछ काम, और मैंने खाना वाना बना दिया है, दिखाती हूँ आपको। चलिए, क्या बनाया? तो ये बनाई है खीर। खीर इसमें उड़ेल दिया मैंने। और ये बनाए हैं काले छोले, इनको भी किसी बर्तन में डाल दूंगी और बना दूंगी इनके साथ पूरियां या रोटी, जो भी खाना चाहें। इससे काटूंगी ड्राई फ्रूट्स, और ये मैंने करा था मीशो से परचेस, और दिखाऊंगी कैसे कटते हैं इससे। इस बार मेरी दिवाली की तैयारियां अच्छे से नहीं हो पाई हैं सारा, मतलब मैंने जल्दी जल्दी में किया क्योंकि गांव से ही आए थे थोड़े दिन पहले, और सारा जल्दी जल्दी में। और ये जो मैंने कवर बनाए ये भी फट फटाफट से बना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बनाए, मतलब कपड़ा ही लाए थे और मैंने कोई गद्दी वद्दी बनाए, बस इसके ऊपर से बिछा दिया मैंने ऐसे करके। तो इनको बाद में करूंगी क्योंकि दिवाली की तैयारियां करनी थी तो इसलिए कुछ टाइम नहीं मिला, तो मैंने ऐसे बिछा दिए बस अभी। और कैंडल बनाई है, सब तैयार हो रहे हैं, फिर 7 बजे तक हम पूजा वूजा करेंगे, और उसके बाद बच्चे थोड़े बहुत जो मतलब फुलझड़ी वगैरह लाए ना तो वो जलाएंगे। यहाँ पे सारी तैयारियां करी हुई है मैंने। फूल ले आई थी कल और थोड़े से वो हो गए हैं फूल, काले काले से मैंने न्यूज़पेपर में रखे, खराब ना हो। और यहाँ पे मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, और दिए सारे तैयार करके बस 7 बजे के बाद सारा मैं तैयारी कर दूंगी। ये प्रसाद रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये मैंने पेंट करा था, इसका भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और इसमें मैंने फूलों की मतलब पत्तियां ले आई थी मैं गुलाब की, और ये कैंडल बाद में जलाऊंगी। तो ये है, इसमें डालूंगी मैं ऐसे काजू, इसे डालूंगी थोड़ी डालूंगी, और इसको ऐसे डाल के देखते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे करके इसमें ऐसे घूम जाते हैं। तो देखिए बढ़िया से चॉप हो गए, सब तो बन गया। और अब बना रही हूँ मैं पकोड़े, पकोड़े गोभी और आलू के बनाऊंगी। और ये गोभी है और इसमें डाला है मैंने चाट मसाला, तो नहीं तो खाली गोभी गोभी का स्वाद आता है ना, तो अगर इसको पहले चाट मसाला डाल दो, गोभी को हल्का बॉईल करा हुआ है तो पहले डाल दो तो थोड़ा चाट मसाले का भी टेस्ट आ जाता है। और आलू मैंने छील रखे हैं, उनको भिगा रखा है, तो अगर बोलेंगे तो मैं आलू के भी बना दूंगी। तो जब तक घी गर्म होता है तब तक मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। तो देखो पूरी गली को जो है, गली वाली रोड है, इसको पूरी दुल्हन की तरह सजा रखा है आगे तक लोगों ने, और बच्चे नीचे जला रहे हैं पटाखे। तो परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये भी छुट्टी लेके आ गए त्योहार मनाने के लिए, और अभी करेंगे पूजा। अभी 6:30 बजे हैं तो अभी पूजा करेंगे थोड़ी देर, तब तक मैं पकोड़े वकोड़े बना दूंगी पूजा में रखने के लिए। खीर तो बनी गई है और सब्जी भी बन गई है, तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो घी गर्म करने के लिए रख दिया, और किचन बड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है क्योंकि सारा मतलब जल्दी जल्दी में ही हुआ, सारा गर्म हो जाएगा तो गर्मा गर्म पकौड़े निकालेंगे, फिर पूजा करेंगे 7 बजे के बाद। तो तैयार है पकौड़े, और यहाँ पे भगवान जी के लिए भी निकाल दिया मैंने अलग से खाना। Thank you.
पूजा हो गई है और अब मैं दे रही हूँ खाने के लिए इनको सबको, और खाना खाने के बाद फिर एक राउंड लगाएंगे पालन की तरफ सबके सब। और ये जला देती हूँ लैंप, इसको भी जला दे। ये हवा से बुझ गए आते दिए, और यहाँ पे भी मैंने सारी लाइटिंग कर रखी है। तो मैं ले आई हूँ पकोड़े और चटनी और खाते हैं। तो ये आ गए हम छत पर, और टिनटिन क्या पता नहीं क्या फोड़ रहा है, स्कॉच शॉट फोड़ रहे हैं गाइस, टेस्टिंग हो रही। तूने उल्टा तो नहीं लगाया? नाली बंद कर देना, पाइप उड़ जा। अरे ऊपर गया वो तो पूरा अनार जला रहे हैं। आ जाओ फोटो खींचो, ये देखो अब देखो जाले में कौन कौन आ रखा है। तो हम पालम नहीं गए क्योंकि सबके सब यहीं आ गए थे और सभी ने यहीं पे फोड़े सारे पटाखे। तो गाइस अब हम 60 शॉट जला रहे हैं, ये देखो 60 शॉट है, और बिल्कुल बढ़िया चल रही है हमारी दिवाली। ये देखो बैलेंस हो गया, अब देखो गाइस जल रही है, चल चुका है गाइस 60 वाला। के सारे यहाँ पे सारे मतलब जो है बम पटाखे फोड़ गए, सब चले गए अपने अपने घर में, और यहाँ कर गए कूड़ा, और यहाँ इतना सारा कूड़ा। और सुबह दिखाऊंगी तो अभी अंधेरे में तो दिखेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों हालत पहली जैसी हो गई है, 12 बज गए रात के, और यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करती हूँ क्योंकि सब चले गए प्राइवेट में जाके। टिनटिन ने भी कपड़े चेंज कर लिए, और बहुत मजा आया हमें दिवाली में। और काकू और चीकू ऊपर अभी भी बम पटाखे फोड़ रहे हैं, उनकी दिवाली 12 बजे के बाद हुई है। तो चलिए यहीं पे मैं आपको बाय बाय करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए दोस्तों। फिर मिलेंगे, बाय दोस्तों, और एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली। दिवाली बाय। तो 1 बजने वाले हैं और 1 बजे फिर से आ गए ऊपर,
क्योंकि इनके पटाखे बचे हुए हैं। अपने सारे कपड़े चेंज करके अभी अनार जला रहे हैं थोक के भाव। पीछे आ पीछे पीछे। ये फुलझड़ी है बड़ी बड़ी, इसको भी जला रहे हम। इसको देख छोटे बच्चे को छोटा बेड से उठ के आया बच्चे, सोने की दाढ़ी गंदी थी, इनर पहन लिए थे रात के कपड़े। चला ही ले इसको ऐसे ना ऊपर फेंक देते हैं। नहीं नहीं मतलब हमारे ऊपर गिरे, उधर देख फिर के नहीं फिर के नहीं। दोनों के मजे आ रखे हैं, देखो काकू के कितने मजे आ रखे हैं। अरे वो घूर घूमने वाली है, एक तो होगी देख ले। जल गया जल गया। दोस्तों रात के 1:30 बज रहे हैं और अब थोड़ा शांत हुआ है यहाँ पे माहौल। और पूरी गली देखो